A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 8 redox. Today topic is Stokes notation. Stokes notation is the notation used where the oxidation state of the element is represented by Roman numerals. So, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यदि उसे रोमन नंबर के अंदर व्यक्त किया जाता है तो इसे हम स्टोक नोटेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर केमिकल फार्मूला फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर डाइऑक्साइड का हमारे पास में यहाँ पे फार्मूलाज हैं और स्टोक नोटेशन के अंदर हमें उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो यहाँ पर दिया गया है कि एफ ई के आगे हमने ब्रैकेट के अंदर टू जो नोटेशन है वो शो किया है और उसके आगे हमने ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से केमिकल फार्मूला को स्टोक्स नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, द कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट हैव मोर देन वन टाइप ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, इट्स नेम डिफरेंटेड बाय द रोमन नंबर्स राइटिंग इन द ब्रैकेट इन द बैक ऑफ द एलिमेंट नेम। द रोमन नंबर शोज द वैल्यू ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पर ये जो रोमन नंबर है ये उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है और ब्रैकेट में हम किन्हीं शो करते हैं जिनकी ऑक्सीजन स्टेट एक से ज़्यादा होती हैं। द कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ओनली हैज वन टाइप ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, द रोमन नंबर डज नॉट नीड रिटर्न। ऐसे कंपाउंड जिनमें जिनका जो ऑक्सीजन नंबर है वो एक ही प्रकार का होता है उनके लिए रोमन नंबर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अप्लाइज इन अ बोथ आयनिक एंड द कोवलेंट कंपाउंड। ये जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है ये आयनिक और कोवलेंट दोनों तरीके के कंपाउंड्स को दोनों तरह के कंपाउंड्स पर अप्लाई की जाती है। नाउ एग्जाम्पल्स, वी हैव सम एग्जाम्पल्स हियर। द फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ बताया है कि ऑक्सीजन नंबर जो कार्बन है उसका प्लस टू है। CO2 कार्बन फोर्थ ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर जो है कार्बन का वो प्लस फोर है। नाउ P2O3 इज़ अ फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर जो फॉस्फोरस का है वो प्लस थ्री है। N2O5 नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड, सो ऑक्सीजन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज प्लस फाइव हियर। एंड द Cl2O7 क्लोरीन 7 ऑक्साइड, सो ऑक्सीजन नंबर इज क्लोरीन हियर प्लस 7। ऑक्सीजन स्टेट फॉर रिएक्शन दैट आर नॉट मेटल एंड नॉन मेटल और डू नॉट इन्वॉल्व O2, वी नीड अ मेथड फॉर डिटर्मिनिंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर द ट्रांसफर। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन स्टेट में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। कम्स अगेंस्ट अ नंबर टू ईच एलिमेंट इन अ रिएक्शन कॉल्ड एन ऑक्सीजन स्टेट दैट अलाउज दैम टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द रिएक्शन। बेसिकली ऑक्सीजन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ द रूल formulated on the basis that an electron pair in a covalent bond belong entirely to the more electrovalent bond. तो जब हम ऑक्सीजन नंबर को निकालना सीखेंगे तब हम ये देखते हैं कि जो कंपाउंड आपस में बने हुए हैं इनमें जो एलिमेंट है इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा वाला एलिमेंट है और उसी के अकॉर्डिंग इनका जो ऑक्सीजन नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रॉन को लॉस होता है और रिडक्शन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन किया जाता है, उसे एक्सेप्ट किया जाता है। ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन गो टुगेदर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये प्रोसेस आपस में एक साथ होता है। सबस्टेंस लॉसेस इलेक्ट्रॉन एंड अनदर सबस्टेंस गेन इलेक्ट्रॉन, जैसे कि किसी सबस्टेंस ने यदि इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो जो दूसरा सबस्टेंस है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ऑक्सीजन नंबर आर अ सिस्टम दैट वी कैन यूज टू कीप ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ऑक्सीजन नंबर एक सिस्टम है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो ट्रांसफर हुआ है वो हमें पता चलता है कि किसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है और कौन से सबस्टेंस ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। नाउ केमिकल स्पीशीज एनी एलिमेंट FeO2 ऐसी एंड द ऑक्सीजन स्टेट एंड द रिमार्क्स। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट जो स्पीशीज हैं उनके जो ऑक्सीजेशन नंबर हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्म किया है। नाउ द नेक्स्ट इज
ऑक्सीजन नंबर इज अ नंबर दैट स्टेट इलेक्ट्रिकल चार्ज पोसेस बाय ईच वन एलिमेंट एटम इन द मॉलिक्यूलर कंपाउंड और द आयन. इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आयनी कंपाउंड इलेक्ट्रिकल चार्ज कंटेन एलिमेंट एटम कैन बी राइज्ड बाय अ ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड मेटल एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द पॉजिटिव आयन एंड द non-metal atom gain electron to form a negative ion. Metal के अंदर क्या होता है बेटा कि metal electron को loss करता है और positive ion के अंदर convert हो जाता है, जबकि non-metal जो होते हैं वो electron को gain करते हैं और negative ion के अंदर convert हो जाते हैं. In the molecule of magnesium MgF2 जो है magnesium magnesium fluoride के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, it consists of the magnesium ion with the charge of +2 than the fluorine minus ion with the charge of 1. यहाँ पर यदि हम MgF2 की जो बात करते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम जो है इसके पास +2 चार्ज है और जो फ्लोरीन है उसके पास -1 चार्ज है. Said that in the molecule of the MgF2, the oxidation number of the magnesium is a +2 and the oxidation number of the fluorine is a -1. So, यहाँ पर ये हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा और जो फ्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा. इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड द राइजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस ईच एलिमेंट एटम इज कॉज बाय It exists the difference of the electronegativity of the element so that the occur polarization covalent bond. In the polar covalent compound, the more electronegative atom become more negative charge and the other atom become a more positive charge. In the polar covalent compound of the H2O, H contain 1+ and the oxygen contain 2- ion. सो यहाँ पर ही बताया गया है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर. जो एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसमें जो चार्ज का जो पावर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. और पोलर कंपाउंड की यदि हम बात करें, जैसे H2O की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके पास में +1 ऑक्सीजन नंबर है और जो ऑक्सीजन है उसके पास में -2. So the oxidation number of an element in the molecule of or in the ion by use the rules of the oxidation numbers can be determined. Write down the molecular or the ionic formula which will be determined the oxidation number, its element and between one atom of the element and the others given enough space. Write each oxidation number of the element in blue and it write X for the element that will be determined is the oxidation number. Use the rules of the oxidation number, that is the rule of the number 7 or 8 for determine X value. So, यहाँ पर जो हमने स्टेटमेंट दिया है कि ऑक्सीजन नंबर को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि डिटरमाइन द फॉलोइंग एलिमेंट ऑक्सीजन नंबर एस इन मॉलिक्यूल H2SO4. तो हमारे पास में एक H2SO4 जो मॉलिक्यूल है इसमें S का जो ऑक्सीजन नंबर है वो हमें डिटरमाइन करना है और दूसरे में क्रोमियम क्रोमियम इन आयन ऑफ द Cr2O7-2. तो क्रोमियम का इसमें ऑक्सीजन नंबर हमें निकालना है. तो हमें क्या दिया गया है बेटे, गिवन क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 आयन ऑफ Cr2O7-2. फाइंड क्या करना है, हमें ऑक्सीजन नंबर निकालना है S का और जो बी क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ऑक्सीजन नंबर निकालना है क्रोमियम का. सो द सॉल्यूशन हियर, इन एलिमेंट इन द फ्री ऑफ द अनकम्बाइंड स्टेट ईच एटम बियर्स द ऑक्सीजन नंबर ऑफ 0. फॉर आयन कंपोज ऑफ ओनली वन एटम द ऑक्सीजन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन. ऑक्सीजन इन द केस ऑफ द सुपर ऑक्साइड द पर ऑक्साइड ऑक्सीजन स्टेट इज असाइंड टू ऑक्सीजन एज -1 और -0.5. द सेकेंड एक्सेप्शन विद द ऑक्सीजन इज विद द फ्लोराइड एंड द डाईफ्लोराइड. हियर द ऑक्सीजन हैज has oxygen state is a +2 and the +1. The number assigned to oxygen will depend upon the bonding state of the oxygen, but this will have a positive number. The oxidation state of the hydrogen is +1 except when it is bonded with the element with a binary compound. When it is a band with the lithium beryllium, it has the oxidation state of -1. In all its compound, fluorine has an oxidation state of -1. Other halogen like a chlorine, bromine, iodine have also the oxidation state as 1 except the
oxo anions and the oxo acids. The algebraic sum of the oxidation number of all the atom in the compound must be zero. In the polyatomic ions, the algebraic sum of all the oxidation number of the atoms of the ion must be equal to the charge on the ion. So, इन रूल्स का यूज़ करके जो जो क्वेश्चन हमारे पास में था, हम उसके एस का जो ऑक्सीजन नंबर है वो हम इजीली निकाल सकते हैं. कुछ बेसिक रूल्स हैं उन्हें निकालने के ऑक्सीजन नंबर को. ऑक्सीजन नंबर ऑफ द फ्री एलिमेंट, यदि हम फ्री एलिमेंट की बात करें, जैसे कि मॉलिकुलर एलिमेंट्स H2, O2, O3, N2, F2, Cl2, Br2, I2, P4 एसेट हैव अ ऑक्सीजन नंबर ऑफ जीरो. तो जो फ्री एलिमेंट्स होते हैं इनका ऑक्सीजन नंबर कितना होता है बेटा? जीरो होता है. ऑक्सीजन नंबर ऑफ द फ्लोरीन इन इट्स कंपाउंड, ऑक्सीजन नंबर ऑफ द फ्लोरीन ऑलवेज -1. यदि कंपाउंड है तो कंपाउंड के अंदर यदि फ्लोरीन है तो हमेशा उसका ऑक्सीजन नंबर कितना होगा? -1 होगा. ऑक्सीजन नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड, ऑक्सीजन नंबर ऑफ द हाइड्रोजन ऑलवेज +1, एक्सेप्ट हाइड्रोजन इन द हाइड्राइड कंपाउंड, ऑक्सीजन नंबर ऑफ एच इज -1. तो यदि कंपाउंड के अंदर हम हाइड्रोजन के ऑक्सीजन नंबर की बात करते हैं तो वो +1 होगा, जबकि यदि हम हाइड्राइड कंपाउंड की बात करते हैं जिसमें कि कंपाउंड ऑफ एच विथ मेटल, जहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो किसी मेटल के साथ में हो, वहाँ पर इसका ऑक्सीजन नंबर कितना होगा? -1 होगा. फॉर द एग्जांपल, इन द कंपाउंड ऑफ H2O, NH3, H2S, HCl, HNO3, H2SO4, द ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1. इन द हाइड्राइड कंपाउंड लाइक लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ऑक्सीजन नंबर ऑफ द एच इज -1. सो आप इस रूल का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें. रूल्स ऑफ द असाइन ऑक्सीजन स्टेट, अब ऑक्सीजन स्टेट को असाइन करने के और रूल्स कौन से हैं? इन देयर कंपाउंड द नॉन मेटल्स हैव अ ऑक्सीडेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू द टेबल बिलो. यदि हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निम्न प्रकार होगा. नॉन मेटल यदि हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -1 होगी, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, ग्रुप 7A के अंदर -1, ग्रुप 6A में -2, ग्रुप 5A के अंदर -3 होगा. सो आगे ये है कि रिडक्शन ऑक्सीजन रिएक्शन बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन नंबर चेंज. तो अब किस तरीके से हम ऑक्सीजन रिएक्शन को आगे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो उसके लिए क्या टॉपिक है हमारे पास? ऑक्सीजन रिएक्शन है. ऑक्सीजन रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन विच इज़ अकम्पेन्ड बाय अ इंक्रीजिंग ऑफ द ऑक्सीजन नंबर. तो यहाँ पर देखिए, एल्यूमिनियम के बारे में बताया कि एल्यूमिनियम जो है वो +3 स्टेट में आता है और एस जो है सल्फर जो है वो -2 से एस के ऊपर है. रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन विच इज़ अकम्पेन्ड बाय अ डिक्रीजिंग ऑफ द ऑक्सीजन नंबर. इज एग्जाम्पल ऑफ द टिन, टिन का +4 जो है वो टिन +2 में है और क्लोरीन जो है वो 2-chlorine -ion के अंदर कन्वर्ट हुआ है. नाउ जनरली मेटेलिक एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप बी हैज अ ऑक्सीजन नंबर मोर देन द वन टाइप. फॉर द एग्जांपल, द टेबल 8.1 आर शोइंग हियर द ऑक्सीजन नंबर इन ऑफ सेवरल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप बी. द एलिमेंट्स ग्रुप बी, द नेम, सिंबल एंड द ऑक्सीजन नंबर आर हियर. जिंक, जिंक द सिंबल इज अ जेड एंड द ऑक्सीजन नंबर इज +2. सिल्वर, द सिंबल इज Ag एंड द ऑक्सीजन नंबर इज +1. कॉपर रिप्रेजेंटेड बाय द Cu एंड द ऑक्सीजन नंबर इज +1 एंड द +2. गोल्ड Au एंड द ऑक्सीजन नंबर इज +1 एंड द +2. आयरन इज रिप्रेजेंटेड बाय द Fe एंड द ऑक्सीजन नंबर इज +2 एंड द +3. लेड इज रिप्रेजेंटेड बाय द Pb एंड द ऑक्सीजन नंबर इज +2 एंड द +4. ऑक्सीजन नंबर ऑफ द मोनो एटॉमिक आयन, द ऑक्सीजन नंबर ऑफ द मोनो एटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन्स. जो ऑक्सीजन नंबर मोनोटॉमिक आयन का होता है वो इक्वल होता है उसके ऊपर जो चार्ज है उसके. फॉर द एग्जांपल, सोडियम आयन हैज़ द ऑक्सीजन नंबर इज़ अ +1, बेरियम +2, दैन द ऑक्सीजन नंबर इज +2, द एफ ई हैज़ अ +3 आयन इज़ द ऑक्सीजन नंबर इज़ +3, क्लोरीन माइनस आयन हैज़ द ऑक्सीजन नंबर इज़ अ -1, एंड द सल्फर 2 माइनस आयन हैज़ द ऑक्सीजन नंबर इज़ अ -2. So the sum of the oxidation number of the element atom in a compound molecule is equal to the zero. For the example, atomic number of the element in a compound molecule is a zero. The example is H2O. Then the H is multiplied by 2. The oxidation number of the O is multiplied by 1 is equal to 0. So H से जो आंसर आया हमारे पास +2 है एंड द ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का जो है वो -2 है. +2 एंड द -2 को जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं द आंसर इज 0. नाउ द नेक्स्ट जो है
वो भी इसी तरीके से सॉर्ट आउट होगा। हमारे पास में OH माइनस आयन के बारे में दिया गया है, तो O का जो ऑक्सीजन का जो चार्ज है उसका माइनस टू है, और उसी से हमने ऑक्सीडेशन नंबर इसका माइनस टू लिया है। हाइड्रोजन के लिए हमने प्लस वन का यूज़ किया है, सो आंसर कितना होगा हमारे पास, माइनस वन होगा। सो आई होप कि यहाँ तक के जो टॉपिक हैं, यहाँ पे आगे हमें बताया गया है H2SO4 एंड Cr2O7 माइनस टू, एंड इसी के बेसिस के ऊपर कुछ एग्जाम्पल है वो भी हमने यहाँ पर लिए हैं। सो आई विल बी एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।